सत श्री अकाल जी, एक नवे वीडियो में एक बार फिर तो स्वागत करते हैं। अज के वीडियो में कुछ खास अपडेट शेयर करांगे जिहड़े कि तुहाडे लई इंपोर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में डायरेक्ट फ्लाइट्स नूं लैके भी गल करांगे, सो वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक जरूर वेखना। कोविड के चलदे बहुत सारे देशों ने भारत तो जाण वालियां फ्लाइट्स उत्ते रोक लगा दित्ती सी। हुण इह पाबंदियां नूं हटाया जा रहा है। कैनेडा वल्लों भी भारत तो जाण वालियां सारियां फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट्स नूं सस्पेंड कीता होया है। इटली जाण वालियां लई वड्डी खबर आई है, हुण इंडिया तो इटली लई डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दित्तियां ने। हुण पंजाब दे अमृतसर एयरपोर्ट तो रोम इटली दे लई डायरेक्ट फ्लाइट चलिया करेगी, जिहड़ी कि हफ्ते दे हरेक बुधवार नूं चलेगी। हुण इटली जाण वाले ट्रैवलर्स नूं बहुत आसान हो गया। हुण पंजाब दे अमृतसर एयरपोर्ट तो इटली रोम दे लई डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपरेट करनगियां। सैकेंड वड्डा अपडेट आ, दुबई ने भी इन्हां सारियां पाबंदियां नूं हटा दिता है अते इंडिया तो दुबई जाण वालियां सारियां फ्लाइटां नूं दुबारा शुरू कर दिता है। हुण अमृतसर दे एयरपोर्ट तो एक वड्डी खबर आई है, जिथे दुबई जाण वाले कुछ ट्रैवलर्स नूं एयरपोर्ट दे अंदर एंटर नहीं होण दिता। इस दी असल वजह है कि नकली टिकट ते नकली वीज़ा होण दे कारण उन्हां नूं एयरपोर्ट दे अंदर दाखल नहीं होण दिता। उन्हां सारे ट्रैवलर्स नाल गल कीती गई जो कि दुबई जाण लई अमृतसर एयरपोर्ट ते पहुंचे सन। उन्होंने जानकारी दिंदा दस्सिया कि अमृतसर के किसी लोकल एजेंट ने उन्होंने नकली टिकटां ते नकली वीज़ा दे दिता सी अते जो उन्होंने वीज़ा दिता सी ये वीज़ा उन्होंने फरवरी विच प्रोवाइड कर दिता सी। जो वो ट्रैवल एजेंट वालों उन्होंने टिकट दी जाती सी वो बार बार कैंसल हो रही सी। पहला ये टिकट 21 अगस्त की दी हुई सी, उस तो बाद ये टिकट 10 सितंबर की दे दी। बट अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुँचन से उन्होंने पता लग्या कि ये टिकट अते वीज़ा नकली है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वो वीज़ा अते टिकट चैक किए तो उन्होंने बारे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलिया तो उन्होंने एयरपोर्ट तो बाहर कढ दिता। ये टोटल 29 पैसेंजर सन जिन्होंने एको ही ट्रैवल एजेंट तो टिकटा अते वीज़े ले सन, जिहड़े कि एक वड्डी ठगी का शिकार होए हन। हुण गल करदे हां डायरेक्ट फ्लाइट्स बारे। कैनेडा लई डायरेक्ट फ्लाइट्स जल्द शुरू करन दी उम्मीद की जा रही है। कैनेडा वालों जो इंडिया तो कैनेडा जाण वालियां डायरेक्ट फ्लाइट्स उत्ते बैन लगाया गया, ये बैन 21 सितंबर तक लगाया गया है। बट हुण कैनेडा वालों 7 सितंबर तो सारे ट्रैवलर्स नूं कैनेडा विच जाण दी इजाजत दे दित्ती गई है। सो अज दे वीडियो विच इन्ना ही। जेकर डायरेक्ट फ्लाइट्स नूं लैके कोई भी नवां अपडेट आउंदा तां असीं इस चैनल ते तुहाडे नाल शेयर करांगे। तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तां जो आने वाले अपडेट असीं तुहाडे तक पहुँचा सकीए। धन्यवाद।